हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वैलेंटाइंस डे विश करना चाहूँगा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो ये महीने आप प्यार बांटिए हर जगह। अगर आप कपल्स नहीं हैं, सिंगल हैं, तो अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में बांटिए, पर इस महीने प्यार जरूर बांटिए। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और अच्छी और बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही यूज़फुल टिप देना चाहता हूँ कि आप अपने लेफ्ट हैंड के जो विनस माउंट होता है ना, जो अंगूठे के नीचे और लाइफ लाइन के ऊपर जो पूरा पोर्शन होता है, ये विनस का माउंट होता है, शुक्र का पर्वत होता है। यहाँ पे रोज आप ब्लू कलर के पेन से 24 नंबर लिख लीजिए। 24 नंबर ब्लू कलर के पेन से रोज लिखिए, सिर्फ ब्लू से लिखना, और इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। और ऐसा लिखेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत लक्की दिन जाएगा, आपके लिए गुड लक होगा। तो मेहनत तो हम सब करते ही हैं, पर लक की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो 24 जो नंबर है वो न्यूमरोलॉजी में सबसे ज़्यादा लक्की नंबर माना गया है। तो अगर हम ये नंबर शुक्र के पर्वत पर लिखेंगे, शुक्र के माउंट पर, तो रोज़ हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, हमें सक्सेस मिलेगा, लक मिलेगा। और ये जब मिट जाएगा, आप हाथ वाथ धोते हैं, मिट जाता है, तो इसे वापस से लिख लीजिए। और हो सके तो अपने घर के ऑफिस की साउथ वॉल पे भी 24 नंबर लिख के ब्लू कलर से लगा दीजिए, तो आपके घर में भी अच्छी वाइब्रेशन रहेंगी। पर हाथ पे तो रोज लिखना है, और टैटू वैटू मत बनाना, क्योंकि रोज लिखने से फ्रेश लक मिलता है। इसलिए आप 24 नंबर यहाँ पे रोज लिखिए, है ना। ये वीडियो बुक मार्क में रख लीजिए ताकि अगर भूल जाओ तो बार बार देख के याद रख के जरूर लिखना है इसको, बहुत फायदा होगा आप लोगों को। और ये आप मिट जाएगा तो फिर से लिखना। तो आइए दोस्तों, अब मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि फरवरी महीने के बारे में, कि न्यूमरोलॉजी में फरवरी का महीना क्या कहता है। और चूंकि फरवरी जो है साल का दूसरा महीना होता है, इसलिए वो उसको मतलब टू एनर्जी, नंबर टू की जो एनर्जी होती है वो उसको रूल करती है कहीं ना कहीं। और नंबर टू एनर्जी क्या कहती है, आइए देखें। वो नंबर टू वैसे जो न्यूमरोलॉजी में प्यार का नंबर होता है, इंट्यूशन का नंबर होता है, तो इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है इस महीने। तो देखिए, डिटेल में डिस्कस करते हैं। फरवरी महीने जो होता है, नंबर टू का होता है। तो अब आप किसी भी नंबर से रूल होते हो, नो मैटर वॉट, चाहे वन से लेकर नाइन से किसी भी नंबर से रूल होते हो, नंबर टू की जो वाइब्रेशन रहेगी ना इस महीने, वो आप सभी लोगों की एक इंट्यूशन की एबिलिटी को बढ़ा देगी। एक इंट्यूटिव एबिलिटी जो है आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप इस महीने कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कन्फ्यूज हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने अंदर के इंस्टिंक्ट को सुनिए, अंदर की आत्मा को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। तो जो आपकी इंट्यूशन कहती है, आप वो करिए, अंदर की आवाज़ को सुनिए। इस महीने आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हो, तो वो आपको अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, कोप अप करना पड़ेगा। ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, डिप्रेसिव हो जाओगे, मूड स्विंग्स हो जाएंगे ना। नंबर टू मून का है नंबर, तो मून के टाइड्स होते रहते हैं, हर 15 दिन में अमावस और वो आती रहती है, साइज बदलते रहता है मून का, पूर्णिमा आती है, इसलिए मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इंसानों के। तो आप इमोशनल हो जाओगे, डिप्रेसिव हो जाओगे, कभी बहुत खुश हो जाओगे, कभी बहुत सैड हो जाओगे। इस टाइप से आपको इमोशनल अपने आप को कोप अप करना पड़ेगा इस महीने। अब चूंकि 2015 8 नंबर पे आता है, और ये साल भी टोटल जो है 8 पे आता है, इसलिए हमें, मैं बोल रहा हूँ कि इस साल ब्लैक कलर अवॉइड करिए, येलो और ब्लू ज़्यादा पहनिए हर जगह, अपने पास येलो या ब्लू रखिए, है ना। और ये 1, 3, 5, 6 के लिए साल अच्छा है, 4 और 8 के लिए थोड़ा टफ हो सकता है। इसलिए आप लोगों को ईमानदारी से काम करना है, मेहनत से काम करना है। तो 8 नंबर्स पे जो साल आता है, इसलिए बहुत जरूरी कि आप ऑनेस्ट रहो, सच्चे रहो, ट्रूथफुल रहो, है ना। आप मेहनत करिए, नीयत और इंटेंशन आपकी सही होनी चाहिए। तो अगर आप ऑनेस्ट रहोगे, सच बोलोगे, तो उसमें भी लफड़ा है, क्योंकि सच आजकल कोई बोलता नहीं। सच बोलेंगे तो लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, सच इतना कड़वा होता है, लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो सच को बचाना भी टफ होता है, तो वो भी चीज़ होगी। लेकिन वो अब इस महीने बचने का तरीका ही सच बोलना है, ट्रूथ रहना है, ऑनेस्टी से सब काम करना है। सच बोलो, पर आप अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज करिए। ये नहीं कि ब्लंटली लैंग्वेज, गलत लैंग्वेज में कुछ भी बोल रहे हो तो लोग, सामने वाले लोग हर्ट हो रहे हैं। तो चूज योर वर्ड्स केयरफुली, है ना। ऐसी कोई छोटी मोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट मत करो, डिस्प्यूट मत करो, जो कोई मैटर ही नहीं करती है। बिकॉज इट इज नॉट वर्थ हैविंग एन आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट विद समवन ओवर समथिंग दैट रियली नॉट वर्थ इट। तो ऐसी छोटी मोटी नॉनसेंसिकल बातों पर लड़ाई झगड़ा मत करो। कोई बहुत बड़ा इशू है तो ही डिस्कस करो, छोटी छोटी बातें जाने दो, मिट्टी पाओ। और नंबर जो टू एनर्जी जो होती है ना इस महीने, जो नंबर टू एनर्जी रूल करेगी, वो प्यार का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है ना। और बड़ा सेंसिटिव सा नंबर है, उसमें आर्टिस्टिक क्रिएटिव चीज़ें आप करिए। बल्कि वो नंबर कभी पसंद नहीं करता कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े। नंबर टू की जो एनर्जी है उसको कॉन्फ्लिक्ट और ये सब पसंद नहीं है। तो अगर आप लड़ाई झगड़े करोगे, बेफालतू के आर्ग्यूमेंट्स करोगे, तो क्या होगा, बाद में आप ही थोड़ा बहुत डिप्रेस फील करोगे, आप ही सैड हो जाओगे कि क्या लड़ाई हो गई यार, बहुत आपका खुद ही इतने डिप्रेस हो जाओगे। और भाई इस महीने तो हम फरवरी में हम लोग वैलेंटाइंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो नंबर टू एनर्जी में वैलेंटाइन डे भी आ रहा है। और इसलिए मैं आपको बोलूँगा, अगर आप रिलेशनशिप में भी नहीं हैं, तो आई एनकरेज यू टू स्प्रेड लव इन एज मेनी वेज एज यू कैन। मतलब आप प्यार बांटिए बस। आपका कोई लवर नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं हो, शादी नहीं हुई है, वाइफ नहीं है,
हस्बैंड नहीं है, तो आप फैमिलीज में बांटिए, फ्रेंड्स में बांटिए, आम लोगों में बांटिए, सोशल मीडिया पे बांटिए, पर जस्ट स्प्रेड लव, प्यार बांटिए। तो अपनी फैमिली से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग के एक फैमिली का गेट टुगेदर रख लीजिए, जहाँ पे सब लोग अपनी फेवरेट डिशेस बनाएं या फेवरेट डिशेस ऑर्डर करें, फेवरेट डिशेस खाएं, जिसको जो अच्छा लगता है वो करें, है ना। अपनी फेवरेट मेमोरीज को याद कीजिए। अभी प्रेजेंट लाइफ में आप लोगों की क्या घट रहा है वो सब डिस्कस करो, प्रेजेंट हैपनिंग्स को बातें करो, डिस्कस करो। अपने गोल्स बताओ कि मैं ये चाहता हूँ, अपने प्लान्स बताओ कि मेरा ये एम है, मेरा ये प्लान है, ये करना चाहता हूँ या ये मैं ये करना चाहती हूँ। कोई सामने वाला आपको अपने प्लान्स या गोल्स बता रहा है तो उनको भी बड़े प्यार से सुनो, लिसन केयरफुली टू देम ऑल्सो, क्या बोल रहे हैं जब वो अपने सुनाए। तो एक रियल कन्वर्सेशन करो, एक हार्ट टू हार्ट टॉक करो, एक यू नो ऑन फेस टू फेस बात करो, या जो भी मनमुटाव हो गए हैं या कुछ गिले शिकवे रह गए एक दूसरे के मन में, वो ये महीना बहुत अच्छा उन सबको ठीक करने का। इस महीने आप प्यार से हार्ट टू हार्ट बात करिए, एक मेक अ रियल कनेक्शन। इस महीने बिल्कुल दिल की बात कह दीजिए। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे आप बहुत समय से मिले नहीं हो या आपने उन्हें देखा नहीं है, तो उनसे एक मीटिंग अरेंज करो, एक गेट टुगेदर करो, एक फेवरेट रेस्टोरेंट पे मिलिए, आप लोग टेबल पे बैठो, अपनी बातें शेयर करो, उनकी बातें सुनो। ये बताइए कि आपको उस इंसान में सबसे अच्छा क्या लगता है, उस इंसान की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, वो आपको आपकी बताएंगे। उनको ये बताओ कि हाउ मच देयर फ्रेंडशिप मीन्स टू यू, वो आपकी लाइफ में कितने मायने रखते हैं, उनकी फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, या आप उनको कितना कदर करते हो, कितना मानते हो। तो जो पॉजिटिव साइड जो है ना नंबर टू की, वो ये लव, इट्स ऑल अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन। सो जस्ट इंक्रीज लव इन योर लाइफ, स्प्रेड लव इन योर लाइफ, फ्रॉम फैमिली टू फ्रेंडशिप्स टू योर पार्टनर। अब ये भी फनी बात है थोड़ी सी, जिनसे हम प्यार करते हैं। अब देखो वैलेंटाइन डे जो है ना 14 को आता है, 14 को आप ऐड करेंगे तो 5 पे आता है। 5 अच्छा नंबर है सेलिब्रेशन का, हंसी मजाक मस्ती मजाक का है, ठीक है माना, पर 5 नंबर साथ ही साथ एक ड्रामा भी क्रिएट करता है, केओस भी लाता है। 5 नंबर एक ड्रामेटिक भी बड़ा होता है, नाटकबाज, ड्रामेबाज, तो ड्रामा जरूर होता है उस दिन कुछ 5 नंबर के दिन। तो भाई आप खुद ही देख लीजिए हर साल क्या होता है। कुछ लोग तो बहुत खुश होते हैं, उनके पार्टनर उनको बड़ा स्पेशल फील कराते हैं, उनको कार्ड्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, या कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे कि उनका पार्टनर स्पेशल फील करे। कुछ लोग क्या होते हैं, कई उनके दिल टूटते हैं, कई उनके पार्टनर उनको विश करना ही भूल जाते हैं, कई उनके पार्टनर उनको हर्ट कर देते हैं, उनको ऐसा निग्लेक्टेड फील होता है, तो ड्रामा होता है, केओस होता है। तो कुछ लोगों के तो दिल जुड़ते हैं, कुछ लोगों के दिल टूटते हैं, तो बड़ा 5 नंबर दिन अप्स एंड डाउन्स रहता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो बड़ा ड्रामे भरा दिन रहता है वो। बजरंग बजरंग और कुछ ड्रामा की लवर्स की क्या है, बजरंग बजरंग दल वाले ही आके अपना हंगामा कर देते हैं, कुछ तोड़फोड़ कर देते हैं, वही ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। तो वैलेंटाइन डे में तो क्या है, मैं आपको अपने दिल की बात बोलूंगा न्यूमरोलॉजी से हटके। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो जस्ट बी श्योर टू एक्नोलेज देम। आप उनको अपने दिल की बात ऑनेस्ट, सिंपल, सच्चे मन से, प्योर नीयत से बोल दीजिए, फिर उनके ऊपर है उनको आपका प्यार एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं वैलेंटाइन डे के दिन, आप जाके उनको सिर्फ बता दीजिए आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपकी ऑनेस्टी से अपनी फीलिंग्स के बारे में। यू कैन कीप इट सिंपल, उसको ज़्यादा शोबाजी, ड्रामेबाजी, दिखावा मत करिए, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फ्लावर्स एंड कार्ड एंड गिफ्ट्स एंड ऑल, इट इज़ अबाउट लविंग ईच अदर, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। तो इस वैलेंटाइन डे पे जो लोग ऑलरेडी कपल भी हैं, फ्लावर और कार्ड से ही सिर्फ खुश ना हो जाओ, एक दूसरे को प्यार करो, जेन्युइन प्यार करो, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। क्योंकि वो सब आजकल हो ही नहीं पा रहा है, या सोशल मीडिया जो इतना आ गया है, फेसबुक आ गया, व्हाट्सअप आ गया, दुनिया भर के पता नहीं कौन से ऐप्स आ गए हैं, सब उसी पे कम्युनिकेट करते रहते हैं, सब उसी पे लगे रहते हैं दिन भर। हम तो भूल ही गए क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपने प्रियजनों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने लवर्स के साथ, अपने रिलेशनशिप्स के साथ। हम बस सोशल मीडिया और इन पे ही लगे रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इस महीने 14 महीना जो है, जो फरवरी महीना जो है प्यार का है, प्यार को प्रमोट करता है, तो आप मिलिए, हार्ट टू हार्ट टॉक्स करिए, है ना, फेस टू फेस मिलिए, जाके मिलिए। तो लेट दिस बी द मंथ दैट यू टेक आउट टाइम रियली टू मीट अप इन पर्सन, मीट अप इन पर्सन, मीट फेस टू फेस, है ना। और या फिर नहीं मिल सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो वीडियो चैट कर लो, स्काइप पे चैट कर लो, गूगल हैंगआउट कर लो, लाइव फोन कॉल कर लो, लाइव वीडियो चैट कर लो, पर ये मैसेजेस भेजना, टेक्स्ट मैसेज भेजना, एसएमएस भेजना, व्हाट्सएप पे विश कर देना, इससे ये काम नहीं चलने वाला इस महीने। तो वंस अगेन दोस्तों, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, जरूर ये दिन मनाइए, और पूरा महीना ही आप प्यार बांटिए, इनफैक्ट पूरा साल आप प्यार बांटिए, सब में बांटिए, और प्यार से रहिए। और ये नंबर 24 लिखना मत भूलिएगा, ये 24 ऐसे आपको लिखना है यहाँ पे
शुक्र के माउंट पे। जो लेफ्ट हैंडेड लोग हैं वो राइट हैंड पे भी लिख सकते हैं, जो राइट हैंडेड लोग हैं वो लेफ्ट हैंड पे लिख लीजिए। और ये शुक्र के माउंट पे यहाँ पे 24 रोज लिखना है ब्लू कलर के पेन से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मुझे इतने प्यार से सुना, इतनी पेशेंस से सुना, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप मेरे ऐसे ही न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस, अगर मूवी रिव्यूज़ और आपको कुछ भी मूवी प्रेडिक्शंस वगैरह अच्छे लगते हैं तो मेरा वीडियो देखते हैं, और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स। और ये 24 लिखना सबके लिए अच्छा है, या आप और भी अपने लोगों को बताइए। आपने इस वीडियो में देखा है तो अपने प्रियजनों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, सब जगह, कलीग्स को, ऑफिस में, सब जगह सबको बताइए। ये बहुत अच्छा नंबर है, हर जगह लिखो इसको, साउथ वॉल पे भी लिखो, है ना। तो आप इसको, इसको आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।